हेलो। हाँ भाई, ओके भाई। हाँ बस पहुँच रहा हूँ। ए ए किंग, उठ जा यार। ए भैया का फोन आया था, जाना होगा, उठ। मुरली भैया, बहुत संभाल के रहना होगा, क्योंकि 50-50 रिस्क है। तुम्हें अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो हमारे पास यंग बैच है, उन्हें जिम्मेदारी देता हूं। ये सचमुच में है, मानते हो ना? मेरे पास भी बंदे हैं, मुझे पता है। ठीक है, कनाल पहुंचते ही मुझे फोन कर देना। डील सेट करके डॉलर्स देके रुबीज ले लेना, और लेते वक्त ध्यान से गिन लेना। सुबह रेलवे स्टेशन मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा। तुम नहीं आ रहे हो भाई? नहीं, मेरी बेटी की स्कूल में पीटीए मीटिंग है, अगर नहीं गया तो मुझसे नाराज हो जाएगी वो। उस दुकान के नजदीक कार रोको। कुमार, तुम पीछे जाकर बैठ जाओ। माथन, तुम ड्राइव करो। कुमार, माथन केरला का है, स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है। ईगो पर मत ले तू, उसका तो यूज कर, बस हमारा काम होना चाहिए। सर, आपको कुछ चाहिए? एक ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी, एक चाय, एक बूस्ट। सुनो, यहाँ बूस्ट मिलता है क्या? हाँ सर। ठीक है, मेरे लिए भी एक बूस्ट। मुझे भी दे देना। कुमार भाई, मुरली भाई क्यों नहीं आए? ए, उनका पीटीए मीटिंग है, कहा ना, इसलिए नहीं आए। बात वो नहीं है भाई, इस डील में रिस्क है, ये डायरेक्टली हमें बताना चाहिए था। लगता है अंडरवर्ल्ड में बची ही नहीं है ऑनेस्टी। भाई माथन, वहां जाके काम करके पैसे लेकर एंजॉय कर लिया, बात खत्म। बेवजह बात मत कर, पैसे और गन दोनों उन्हीं के हैं। गन तो हमारे पास भी है, क्यों किंग? ये क्या है? देख, पेनोरमी गेटवे होटल, रूम नंबर 3001। पार्टी 12 बजे आएगी, हमें वहां जाकर वेट करना होगा। भाई कॉफी जल्दी दे। ए सुनो, बैग लेकर मत आना, रूम चेक करके फिर सेफ रखेंगे। Excuse me, sir. हाँ? आप में से मिस्टर मुरली कौन है? He is Mr. Murli. Yes, मैं हूँ मुरली। क्या है? Sir, your room is ready, sir. Okay. Sir, we have a mini kitchen for you here with provision for tea and coffee and also mini bar right down there.
And as you enter the bedroom, sir, we have a soft and cozy lighting there. And it has an attached bathroom with a luxurious bathtub in it. And also, you move on to the balcony there. There is a private jacuzzi and a private pool. हेलो ए हमें पता है तुम वहाँ क्या कर रहे हो वही कर रहे हो ना हाँ अरे ना आ रहा हूँ यार हमें पता है चल जल्दी आ खाना ऑर्डर करते हैं हाँ आ रहा हूँ हर रोज केरला वाले दो बार नहाते हैं क्या मुलाय पेरियार से एक बार पानी देने के लिए कहो भाई दो तीन बार हम भी नहाएंगे मुरली कहाँ है और वो पैसे आप पुलिस हो चुपचाप शांति से तुम खुद ही गाड़ी में बैठोगे तो कोई समस्या नहीं होगी नहीं तो तुम्हारा मुंह तोड़ के गधे के जैसा खींचते हुए ले जाऊंगा ठीक कहा ना ए, ए, पागल है क्या ए? गोपाल इसे ले जाओ इट्स ओके चिंता मत करो सारे कमरे अच्छे से चेक करो
माइकल बी अलर्ट, कार गेट के पास ही आ रही है। स्टॉप हिम, सस्पेक्ट उसी कार में है। माइकल, कार नंबर 2444, सिल्वर कलर की इनोवा। माइकल बी अलर्ट। My name is Saraswati Manti. I hope to do that one day. I love cinema. So that's it about Thank me. You so much. Aparna Ravi. Thank you. मुझे वो पसंद। हाँ, मुझे भी सही लगी। तुम्हारा ओपिनियन क्या है? कम हाय, आइए आप अपनी पोजीशन ले लीजिए। अच्छा, बैग वहां रख दीजिए। ओके, रोलिंग रोलिंग। ओके, हेलो, आई एम अपर्णा रवि, आई एम 24 इयर्स ऑफ एज, मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। मूवीज, व्हाई मूवीज पूछोगे तो इट हैज ऑलवेज बीन अ पैशन। मैं इस ऑडिशन में मेरी फ्रेंड समीरा के रेफरेंस से आई हूँ। एंड फॉर मी, आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट इफ योर वर्क इज योर पैशन एंड If you are very passionate about your work, you don't have to work a day in your life. Thank you. देखो, वो बात ये है कि तुम बोलो। नहीं, तुम बोलो। पहले तुम बोलो। नहीं, तुम ही बोलो। देखो अपर्णा रवि, हमारे डायरेक्टर बहुत रियलिस्टिक फिल्म मेकर हैं, ये सभी को पता है। इतना प्लास्टिक स्टफ उनके पास नहीं वर्कआउट होगा। तुम ऑडिशन के लिए आई हो ना, नेक्स्ट राउंड जाना है कि नहीं तुम्हें? अभी भी अगर जेन्युइनली कुछ बताना है तो बताओ। देखो, तुम समीरा की फ्रेंड हो इसलिए ये सब बता रहे हैं, नहीं तो कब का भेज देते। Do you need some water? नहीं, I'm okay. मेरा नाम अपर्णा रवि है, I'm 24 years of age. मैं इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट हूँ। कुछ दिनों पहले मैं यहीं पर बीपीओ में पार्ट टाइम वर्क करती थी, तभी समीरा मेरी रूममेट बनी। अभी समीरा बड़ी स्टार बन गई है। 10th तक स्कूल में ड्रामा एक्ट किया करती थी एंड समीरा से मैं सुंदरता में, एक्टिंग में, टैलेंट में सुपीरियर हूँ, ऐसा मेरा मानना है। एंड आई नो दैट इंडस्ट्री में मेरे लिए अच्छा स्पेस है, ये मेरा अटल विश्वास है। मोर देन दैट, आई डिजर्व अ बेटर लाइफ, सो थैंक यू। भैया नॉर्थ साइड ले चलो। हेलो। हेलो अप्पू। हाँ समी, कहाँ हो तुम? हाँ, मेरा अभी ऑडिशन खत्म हुआ। मैं एयरपोर्ट से निकल गई हूँ, तू फ्लैट पर जा, मेरी फ्रेंड दर्शना वहाँ पर है। ओके। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आ रही हूँ। क्या है? सरप्राइज है। अप्पू, दर्शना, हाय। हाय। कम कम। या तुम समीरा की नई पार्टनर हो? और मैं समीरा की पुरानी पार्टनर हूँ। ओके। डू यू वांट सम केक? ओके। तुम क्या करती हो दर्शी? मैं काउंसलर हूँ। म्यूनिसिपैलिटी? नहीं, लाइक साइकोलॉजिस्ट काउंसलर। इट्स फाइन, सॉरी। व्हाट अबाउट यू? I'm an actor. Struggling, but an actor. Career के start में सबको struggle करना पड़ता है। Don't worry, it will be fine.
समीरा ने अपने प्रॉब्लम के बारे में तुम्हें कभी कुछ बताया? I don't know, she's been saying she's depressed, she's low. मुझे तो ऐसा कभी लगा नहीं. मुझे भी नहीं लगा. लो आ गई. बहुत छोटा एड है, ऐसा काम क्यों बता रहे हो मुझे? एड भले ही छोटा है. नहीं नहीं, फोर्स मत करो, मैं नहीं करूंगी. हेलो. मैंने तुम्हें बहुत मिस किया. कैसी हो? रॉबिन, वो गाउन वहां पर रख देना प्लीज. शैजू, वो जो एड है ना, वो ये करेंगी. कासरगोड में शूट होगा, छोटा सा एड है, तू कर लेगी ना? 50,000 देने को बोलना. अब 50,000 किसी तरह मैनेज कर ले, बेंगलोर की मॉडल है ना. ओके. तुम लोगों ने कुछ खाया? सबके लिए फूड ऑर्डर कर दो. ओके, कर रहा हूँ. फिशलैंड से करूँ क्या? ओके ओके, कम मैं कुछ दिखाती हूँ. क्या है ये? और ये देखो ना, ओपन करो. मैं करती हूँ. मैडम, मैं जा रहा हूँ. ओके ओके रॉबिन, बाय. अप्पू, बाय. ये तुम्हारे लिए. कल मैंने इसे फंक्शन में पहना था. यू कैन वेयर इट. मैं इसे दोबारा नहीं पहनने वाली. मैडम, सबके लिए फालूदा चलेगा ना? हाँ, फालूदा चलेगा. ओके. मेरे लिए लाइम जूस ऑर्डर करो. वो क्या है, लाइम जूस यहाँ आने तक खराब हो जाएगा. फालूदा अच्छा है मैडम, तो फालूदा ही मंगा लेते हैं. ओके मैडम. ओके, हेलो. थैंक यू, थैंक यू. इसको हटाओ, इसको भी. ये कैसा है? ये सो प्रीटी, नाइस, ब्यूटीफुल. हेलो. और कितनी बार कॉल करूं? मेरा फोन क्यों काट रही थी? तुम हो कहाँ? बात क्यों नहीं कर रही हो? माँ, मैं समीरा के फ्लैट पर हूँ. मेरा फोन क्यों काट रही थी? देख, तूने मुझे प्रॉमिस किया था गुरु वायूर की शादी में आओगी. सभी रिश्तेदार आए, तूने प्रॉमिस किया था. मेरी इज्जत का मान रखना. माँ, क्यों ब्लैकमेल कर रही हो? हाँ तो फिर जल्दी से आ जा. फंक्शन के लिए तुझे साड़ी पहननी होगी. चल अब जल्दी आ जा. आ रही हूँ, अभी निकल रही हूँ. जल्दी आ. आ रही हूँ ना. हाँ तो निकल. रिसेप्शन पर सभी पहुँच गए होंगे. लगता है हम ही सबसे लेट हो जाएंगे. ये लो, जल्दी पहनो. छोड़ो पहले. ये लो, ये फूल. नो नो, मुझे नहीं चाहिए. मेरा रिसेप्शन नहीं है. सुन तो, ये पहन. नहीं नहीं, मैं नहीं. ये बात तो सुन, मैं बहुत अच्छा लगेगा. सामान कहाँ है? ये मेरा बेटा है, लॉ फर्स्ट ईयर में. ये अपर्णा मेरी बेटी, बीटेक हो गया है, अब एमटेक कर रही है. हाँ तो गेट पे रुको, मैं आ रहा हूँ. ठीक है. 5 दिए लगाऊं या 7 लगाऊं? 7. कंफ्यूजन क्या है, आमतौर पर 5 दिए ही लगते हैं. लगाना ज्यादा अच्छा. और जहाँ तक मुझे पता है 5 ही लगते हैं, ठीक है ना? चलो हटो लगा. जैसा ठीक लगे वैसा करो. अगर दिए में कपूर डालेंगे तो जल्दी जलते हैं. हाँ तो डाल दो ना, किसने मना किया है? हमारी बात वो नहीं सुनेंगे, इसलिए कुछ भी कर लो, हमारा लॉजिक वर्कआउट नहीं होगा. मुझे मत समझा क्या कर रहे हैं. सुनो ना माँ, खाना रेडी है. खाने में क्या क्या है हम देख कर आते हैं. क्यों इस तरह का पोस्ट शेयर कर रहे हो तुम? किस ऑफ लव? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? यो तो ऐसा ही होता है, तुम्हें पसंद नहीं है तो मत देखो. तुम्हें ये पोस्टिंग का पागलपन क्यों है? अपर्णा, उनका MC नहीं आया है. तो फिर तुम्हें करना होगा. चलो चलो मेरे साथ, चल ना. माँ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज. अपनी माँ के लिए करना प्लीज. अप्पू आना, मैंने वहां कह दिया है, चलना. माइक, थैंक्स. वेलकम. अप्पू, सिर्फ इंग्लिश में ही बात करना. हाय, हेलो. हमारी टू वेरी क्लोज फैमिलीज, उससे भी ज्यादा क्लोज रिलेटिव्स एंड एकदम क्लोज कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं आज हमारे साथ यहाँ पर. एंड सो आई थिंक ये इंग्लिश में फटाफट बात करना, एटीट्यूड दिखाना, इसकी जरूरत नहीं है ऐसा मुझे लगता है. एंड उससे पहले हम स्टार्स ऑफ द इवनिंग को वेलकम करते हैं टू द स्टेज, सुशील जी एंड आवर न्यूएस्ट एडिशन टू आवर फैमिली उदरा, प्लीज. मुझे याद है लास्ट टाइम हम सब कजिन्स मिले थे राम अंकल के घर में सुशील भैया की शादी में. ये मेरे मोस्ट फेवरेट मामा है, हरी मामा एंड माया आंटी. बहुत ही अच्छे हैं सुशील भैया के पेरेंट्स. फूड खाने के लिए जा सकते हैं, फूड काउंटर्स ओपन हो गए हैं.
क्लोज जाइए। ये उत्तरा के पेरेंट्स हैं, मिस्टर एंड मिसेस अनिल। लड़की को पहचाना क्या माँ? नहीं तो। हमारे रवि की बेटी है। रवि भी आया है तुम्हारे साथ, बहुत बढ़िया। रवि को गुजरे 15 साल हो गए हैं। हाँ। दीदी मैं निकल रहा हूँ, नींद आ रही है, मॉम को भी साथ ले जा रहा हूँ। माँ को क्यों ले जा रहा है? प्रोग्राम फिनिश करके आओ। ओके? माँ को मत ले जा। I would like to thank all of you who came on behalf of Sushil and Uttara. Thank you. मैडम खाली वेज फ्राइड राइस और सैलेड बचे हैं, थोड़ा गीला है लेकिन खाने लायक तो है ही। भैया एक पीस अल्फास चिकन के साथ कितना कबूस मिलेगा? एक पीस अल्फास के साथ एक कबूस मिलेगा मैम। अच्छा तो तीन और पैक कर देना। पार्सल मैम, कबूस, तीन कबूस और एक अल्फा चिकन, थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। ओके मैम। हेलो। हेलो अप्पू, मैं माथन बोल रहा हूँ, मैं अभी कोचिन में ही हूँ, तुमसे एक बार मिल सकता हूँ क्या? लेकिन देखो प्लीज मुझे मारना मत, प्लीज। क्यों मारूंगी, मैं तुम्हें भूल गई हूँ माथा। अप्पू सरप्राइज हो गई क्या? तो तुम्हारा प्लान क्या है? नहीं कुछ नहीं, बस 2-3 दिन कोचिन में ही रहूंगा और फिर दुबई चला जाऊंगा। ओह, फ्रॉड एक्टिविटीज कर रहे हो क्या अभी भी? क्या आप, कॉलेज में था तब सभी एडमिशंस के लिए कमीशन लिया करता था। वैसे भी मैंने तुम्हें तभी चीट नहीं किया था, मुझे ही दूसरों ने चीट किया। मेहनत मत कर माथा, मैं ऐसे साथ मिलकर चल रही हूँ, मतलब हम दोनों के दिल इतने दूर है कि जुड़ नहीं सकते इसी कॉन्फिडेंस के कारण। हे, स्माइल करेक्शन करवाया ना तुमने? नहीं। कैसा है? और एक बार मुस्कुराओगे तो बता दूंगा। नहीं मुस्कुराऊंगी। वसंत नगर यहाँ रहती हो क्या? तो ठीक है माथा, कॉल करते रहना। दीदी तुमने तो मुझे डरा दिया। अप्पू बैठो, मुझे तुमसे कुछ शेयर करना है, कुछ बताना चाहती हूँ तुम्हें। सुनो दीदी, मैं बहुत थक गई हूँ, कुछ नहीं खाया है, 2 कबूस खाने की बात सुनती हूँ। ऐसी बात मत कर, तुम मेरी हालत ठीक से जानती हो, मैं 6 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। दीदी प्लीज प्लीज अप्पू मेरी बात सुन, मैं किसके साथ शेयर करूँ, कोई भी नहीं है। क्यों कोई नहीं है,
ओके ओके बोलो बोलो। एक्चुअली कल सुबह 10 बजे मैं चेकअप फिनिश करके खड़ी थी तब मनीष का कॉल आया था। मैं अब तक उसे 100 बार कह चुकी मुझे कॉल ना करे। कल का परसों का मैं सुन नहीं पाऊंगी, आज क्या हुआ वो मुझे बता। ऐसा नहीं है अप्पू, पहले से ही बताऊंगी तभी एक फ्लो रहेगा, तभी तुम्हें पूरा समझ आएगा। मैं फिर से बताती हूँ, रुको प्लीज मेरी बात सुनो। एक मिनट, हेलो हेलो अप्पू, मैं हूँ माथन। जल्दी आना अप्पू, आ रही हूँ। मैं यहाँ पर नीचे ही हूँ, एक बार आओगी क्या, तुमसे कुछ बात करनी है। ओके बूस्ट। अप्पू, हम दोनों के बारे में मैं होप रख सकता हूं? माता, हम दोनों को ये पता है कि तुम बहुत अच्छे हो, पर ट्रस्ट नाम की भी कोई चीज होती है, वही चले जाए तो। अप्पू कोई नहीं, जस्ट फ्रेंड है। अच्छा फ्रेंड, देखने में तो ऐसा लगा नहीं। कॉलेज में मेरा सुपर सीनियर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पक्का कुछ नहीं? इससे ज्यादा कुछ नहीं। कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हेलो, तुम दोनों बाहर आओ तो बोला ना, बाहर आओ। ये सब काम करने के लिए कैबिन नहीं बनाया है, चलो बाहर चलो, आ जाते हैं। आगो क्या हुआ? कुछ नहीं, यूं ही नींद नहीं आ रही है। वो आदमी मर गया क्या? पता नहीं, मर गया होगा शायद। तो पेग मारेगा क्या? वही ट्राई करके देखता हूं।
अरे उठ गई। ज्यादा मत पी, और पिएगा तो थोड़ी देर में रोने चिल्लाने लगेगा। हाँ। एक काम कर, चल घूम के आते हैं, फिर नींद आ जाएगी तुझे, क्या बोलता है? ओके ओके। तुमने उसे देखा तो होगा? हाँ शायद एक बार देखा था। हाँ वो मेरे साथ आई थी, तभी तुमने उसे देखा होगा। नाम क्या है उसका? अप्पू, अपर्णा। अपर्णा। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, उसके फ्रेंड के कॉलेज एडमिशन के लिए मैंने कमीशन के तौर पे 50,000 लिए थे, लेकिन लौटा नहीं पाया था। हाँ। इसलिए वो एक बड़ा सीन हो गया था। लड़कियों के साथ चीटिंग करेगा तो बद्दुआ लगेगी। अरे भाई मैंने उसको चीट जानबूझकर थोड़ी किया था, दूसरे आदमी ने मेरा भरोसा जीत कर मुझे धोखा दे दिया। पूरा पैसा मैंने लौटा ही दिया, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, पर तब तक वो सुनो ना बॉस, डॉलर्स में बदल के अकाउंट में डालने का रास्ता निकालो ना आप। वो पैसे अगर हम बदल सके तो हम दुबई जाकर खुशी से सेटल हो सकते हैं, बोलो ना बॉस। बॉस बुलाना बंद कर मुझे, मैं तेरा कोई बॉस बॉस नहीं हूँ। तुझे दिखाई दे रहा है ना मैं अपने बीवी बच्चों के साथ कितना खुश हूँ, तू बीच में आके डिस्टर्ब मत कर। वो पैसे एक्सचेंज हो जाए काफी है मेरे लिए ना बॉस। सुनो ना बॉस, आपको एक पप्पी दे दूं क्या? अपनी बकवास बंद कर। वो पैसे बदलने का कोई ना कोई रास्ता निकालो ना बॉस। अबे भाग जा, तू किसी काम का नहीं है। केस के बारे में बात करनी थी ना। देख लेना सर, हाँ वो हो जाएगा, जल्दी से मामला निपट जाएगा, फिर अपना काम हो जाएगा सर। चल मिलता हूँ। कम से कम बाय तो बोल दो। गुड मॉर्निंग सर, बाइक खराब हो गई थी इसलिए लेट हो गया सर। तुम्हारी फ्रेंड है क्या? सर मेरी गर्लफ्रेंड है, शायद आप भूल गए, इस 17 को मेरी शादी है। ओह राइट 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 राइट, ओके। जिम जाते हो? सर रोज घर में ही 1 घंटा एक्सरसाइज कर लेता हूँ। सर आपको बुला रहे हैं। ये एक सिगरेट 15 रुपए की है, चलो आता हूँ। माइकल वॉज माई बॉय, वेरी सिंसियर डाउन टू अर्थ पर्सन। हमारा डिपार्टमेंट पूरा उसके फैमिली का कर्जदार हो गया है। मेरा ऐसा मानना है कि तुम्हारी टीम सिंसियर है। श्योर सर। आई नीड टोटल डेडिकेशन फ्रॉम योर साइड। सर माइकल मेरा क्लासमेट था। हेलो। हाँ सर जो बोलो। छोटी सी प्रॉब्लम है मैम। क्या हुआ? हमारी मूवी का असिस्टेंट डायरेक्टर विपिन ने मुझे कॉल किया था। हाँ। वो सॉन्ग में स्लाइटली आपका नेवल दिख रहा है ऐसा उसने कहा मैडम। ये कैसे हुआ सैजू, हमने इसके बारे में बात की थी ना? हाँ मैडम बात तो हुई थी, पर उसने कंफर्म किया है कि नेवल दिख रहा है मैडम। अगर ये सब भाई को पता चला तो अब हम कर क्या सकते हैं? अगर एक बार एडिटिंग रूम में जाके सॉन्ग को चेक किया जाए तो। ओके एडिटिंग कहाँ हो रही है? अब वही लाल मीडिया मैडम। ठीक है मैं आती हूँ। जीनू कहाँ है? वो अंदर है मैम। हाँ समीरा। जीनू कोई प्रॉब्लम है हमारे पहले प्यार के सीक्वेंस में? वो जो सॉन्ग सीक्वेंस है मुझे डाउट है कि वहाँ मेरा नेवल एक्सपोज हुआ है, यही चेक करने के लिए आई हूँ।
पहला सॉन्ग नहीं 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 ऐसा कोई चेंज नहीं है, शूटिंग में हर शॉट चेक किया ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो वीडियो में है ना, मैं चेक करके बता दूंगी, इसीलिए तो आई हूँ यहाँ। वो क्या है, शूटिंग तो हमने साथ में ही किया था, तो ये हो कैसे सकता है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। सर बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म की थी, वो शॉर्ट फिल्म देखने के बाद मैडम के भैया ने बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि दोबारा ऐसा किया तो इनकी लास्ट फिल्म होगी। मैंने चेक किया लेकिन ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है जीनू, बस कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए इसी की टेंशन है मुझे। क्या है, एक बार रिवाइंड कर। प्ले प्ले, प्ले। इसे अगर एक्सपोजिंग कहोगी तो असल में एक्सपोजिंग को तुम क्या बोलोगी समीरा? ये सरासर ना इंसाफी है समीरा, टेक्नीशियन को इतना तो फ्रीडम होना चाहिए ना। तुम भी एक टेक्नीशियन हो ना, इतना भी तुम अगर नहीं समझोगी तो कैसे चलेगा? हमने कितनी मेहनत की है ये ग्रीन मैट में शूट करने के लिए, ये VFX पे कितने पैसे खर्च कर दिए अब तक, ये शूट को तुम एक्सपोजिंग कहोगी तो कैसे चलेगा? वो शॉट में कितना फील है, कितना रस भरा है, तुम ऐसे स्लो मोशन में घूम रहे हो, कितनी ब्यूटीफुल लग रहे हो, ऐसे फ्रंट शॉट, ये बैक शॉट, म्यूजिक, वो बैकग्राउंड, वो स्नोफॉल, वो हीरो का फील देखा क्या? एक्चुअली प्रोड्यूसर रेन सॉन्ग के लिए जिद पकड़े थे लेकिन मैंने चेंज करवाया। तुम मुझे ऐसे मत देखो, तुम इतना समझोगी तो काफी होगा। कुछ भी हो जाए मैं कट नहीं करूंगा, वो कट करके मैं खुद अपनी फिल्म को किल नहीं कर सकता। सॉरी, 24 फ्रेम में फिट करो, स्लो मोशन नहीं चाहिए। 24 मतलब मूड मिस हो जाएगा। मूड मिस हो जाएगा समीरा, क्या बात कर रही हो? मैं बिल्कुल नहीं बदलने वाला, सॉरी, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे कन्विंस करने से अच्छा गल्फ जाके कुछ ना कुछ तुम ही अपने भाई को कन्विंस करो। समीरा तुम हर चीज पे ऑब्जेक्शन लेना बंद करो, तुम्हारा एम्बिशन है कि नहीं मलयालम तमिल कन्नड़ा में काम करने का? जी तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो कट करो या स्लो मोशन हटा दो। मूड मिस हो जाएगा सर। मूड जाने दो, फिल्म भी तबाह होने दो। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल इवनिंग व्हिच मार्क्स द यूनियन ऑफ योर डियरेस्ट बेनी एंड क्रिस्टी। एज यू ऑल नो, मैरिज इज यूनियन बिटवीन टू हार्ट्स, अ हार्मनी बिटवीन टू सोल्स एंड अ वेरी क्लोज बॉन्ड बिटवीन टू ग्रेट एंड ब्यूटीफुल फैमिलीज। Now I invite Benny and Christy to cut the first cake of their married life. Let's give them a big clap. बेनी मेरा फ्रेंड है, मैंने उसे एडमिशन दिलाया था। तुम्हारी लैंग्वेज सुनने में बड़ी सोफिस्टिकेटेड है, कैसे मैनेज कर लेती हो? तुमने पैसे दिए थे ना, उससे फीस भर के सीख लिया। hey, कैसे हो? ठीक हूँ, ये मेरी वाइफ है। अरे भाई एक फोटो अपना भी तो ले ले अपने मोबाइल में। हाँ सर, अपनी मेमोरीज रहेंगी। ये लो, आ जा। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटी। थैंक यू सर। रोज जिम जा रहे हो क्या? नहीं, जिम तो नहीं जा रहा हूँ, सुबह उठते ही थोड़े पुशअप्स कर लेता हूँ बस। कितने कर लेते हो?
100? इसमें शर्माने जैसी क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं तुम्हें चूम सकता हूँ? कोई जरूरत नहीं है. चाय पियोगे? चाय आप पी लेंगे? आओ. आजा. आओ. अब्स, अभी तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस दुबई में सेटल हो रही हैं. वहाँ काम करते हुए जब यहाँ शूट हो तब आती हैं और फिर चली जाती हैं. मेरे पास थोड़े से पैसे हैं तो हम भी दुबई जाकर सेटल हो जाते हैं. जब चाहे तब यहाँ आ सकते हैं. क्रिसमस, ओनम सारे त्योहार मना सकते हैं. मैंने सांप को दूध वाली चाय पीने बुला लिया. घर नहीं आ रहा क्या? नहीं, KSRTC लो फ्लोर बस से त्रिशूर जा रहा हूँ. बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा. देखता हूँ नींद आती है या नहीं. सोच रहा हूँ आज रात आपको परेशान ना करूं. ओह, तूने बचा लिया मुझे. थैंक यू. चलो ठीक है बॉस, गुड नाइट. ओके, गुड नाइट. ए अप्पू सुन ना. जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ ना, तब से बहुत ही बेकार आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ. क्या ये माथन तेरे साथ सेटल होना चाहता है क्या? मुझे उसकी बातों में सच्चाई दिखती है. तुझे पता है 27 साल की उम्र में लड़के ऐसे ही सोचते हैं. लाइफ में सेटल होना है, खुद का सब कुछ होना चाहिए, और ये सब हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है. तो मुझे लगता है वो जो कुछ कह रहा था सच है. दीदी, थोड़ा हॉटस्पॉट ऑन करो ना प्लीज. क्या कहा? हॉटस्पॉट. लो, कर दिया. क्यों सडनली हमारे एरिया में गांजे की सप्लाई बढ़ गई है? और तो उसी एरिया से आता जाता है. तेरा कोई लिंक है क्या? सर, इसीलिए बीच में गायब हो जाता है तू. ओहो, आओ 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 आओ, बैठो. शादी की पूरी शॉपिंग हो गई? क्या हुआ? माइकल के वाइफ से मिला था सर. वी हैव टू टेक दिस केस मोर सीरियसली सर. ओके, आओ. चलो. यही है जीरोक्स मुरली. इस गैंग का सब कुछ यही है. ये मैथ्यूज है, केरला का, मदुरई डिस्ट्रिक्ट के सभी कॉलेजेस का एडमिशन ब्रोकर. इसी ने कार से ठोकर मारी थी. यह है शाहजी,
इसी ने मैथ्यूज को जेरॉक्स मुरली के गैंग में भर्ती करवाया था। ये अभी मैंगलोर में है, ऐसी इंफॉर्मेशन है। ये हमारी लीड है। सर थोड़ा पानी मिलेगा? आपको जरूर उसे पकड़ना होगा सर, और पकड़ने के बाद उसे मार देना सर। उसके पास हम दोनों के पैसे हैं सर, उन पैसों को हमारी तरफ से रख लेना। तूने क्या मुझे अपनी तरह समझ रखा है? पुलिस है। यहाँ ऐसे खड़े मत रहो, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओ, ओके। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहा हूँ। कासरगोड़ी जा रही हूँ, 2 days प्रोग्राम। हाँ? कपड़े हैं? अब 2 अंडरवेयर खरीद लूंगा। चलो फिर। माधव, मैं बैंगलोर की मॉडल हूँ ऐसा मैंने उनसे कहा है, इसलिए सिर्फ इंग्लिश में ही बात करूंगी। ओ, तुमसे भी। हाँ। ओके? ऐसा क्यों? क्या करना है जान के? हेलो सर। हाँ बोलो। जैसा आपने कहा था ना, उसका रूम पूरा चेक कर लिया सर। देखने में दुकान जैसा लग रहा है सर। कई तरह की टोपियाँ हैं सर, जूते हैं, घड़ियाँ हैं, बहुत मेमोरी कार्ड भी है सर, और एक नया प्रोजेक्टर भी है सर। 1.5 लाख की 2 बाइक भी है। बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है ये। और एक लड़की की फोटो भी मिली है सर। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है सर। सारी चीजों की लिस्ट बना लो, मेरे आने के बाद मुझे दिखा देना। यस सर। उसके अलावा लेटेस्ट गैजेट्स भी है सर। जैसे कई कंपनियों के सिम कार्ड और मोबाइल भी है सर। ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके सर, बाय। बाय सर। सर, मैथ्यूज के घर की तलाशी पूरी हो गई। उसने अपने घर को दुकान की तरह सजा कर रखा है। ये सब इंटरनेट के डेवलपमेंट की वजह से, इंटरनेट की वजह से ये यूथ तबाह हो गए। दूल्हे राजा, कल केस के सिलसिले में मैंगलोर जा रहे, रेडी रहना। सर कल? हाँ। You must take this case very seriously. All the best. सर, तलाशी के दौरान एक बैग में इस लड़की का फोटो मिला। क्यूट है। वहां के मेमोरी कार्ड्स में बस इसी की फोटोज है सर। शाहजी शहर में नहीं है सर, फरार है। कुछ पता चला कि वो कहाँ है? सर 2-2.5 साल पहले वो इसी जगह पर रहता था सर। एक लेडी जिसकी बच्ची थी उससे शादी करके चला गया सर यहाँ से, अब वो यहाँ नहीं है। सर ऐसा सुनने में आया है कि वो एक विधवा से शादी करके यहाँ से भाग गया, उनके साथ एक छोटी बच्ची भी है। ओके। अच्छा तुम्हें कोई एड्रेस भी मिला है क्या? पड़ोस में मैंने इंक्वायरी की, उनका एड्रेस किसी को नहीं पता। अच्छा। यहाँ से जाने के बाद उसने किसी से कॉन्टेक्ट नहीं किया। ओके।
देखते हैं उसके दोस्त यार से पूछकर शायद कुछ पता चल जाए। ठीक है, एक बार ठीक से देख लो। हाँ अच्छा अच्छा देखते हैं। सर पार्सल। हाँ याद हो। मैक्रोनी लेके नहीं आया? हाँ है ना सर, उसमें ही कहा है। देखिए देखिए अच्छे से देखिए। तूने तो डरा ही दिया। इन दोनों में से किसी को अगर सिलेक्ट किया तो ऑडिशन में फाइनल कर सकते हैं। अच्छा तो वो दो फाइनलिस्ट्स कौन है मुझे जरा बताना। सर देखिए सर, ये रहमान है, ये अपर्णा रवि है और ये रचना सर। तुम्हें कौन पसंद है? मुझे तो रचना पसंद आई है, वो एक्ट्रेस भी अच्छी है, उसका बैकग्राउंड भी ड्रामा से है, हमें उसकी डबिंग करवानी पड़ेगी, फिर भी ओके है। रहमान? नहीं ये अपर्णा रवि ओके है सर, उसमें अपने कैरेक्टर का लुक भी है और सुंदर भी है, गुड गर्ल। हीरोइन के लिए देख रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट के नहीं ना सर। शेष, सो इंसल्टिंग यू आर। ओ राजेश, 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 ये लीजिए सर। तुम्हें कौन पसंद है राजेश? किसमें सर, हीरोइन में? हाँ ये ऑडिशन कुछ वर्कआउट नहीं हुआ सर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है सर, मार्केट के हिसाब से तो नयनतारा। हाँ नयनतारा। सर आपको भी पता है नयनतारा बेस्ट है, अगर नए लोगों को लिया तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है सर। ब्लैकमेल कर रहा है सर? वो अपनी ओपिनियन बता रहा है। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा था, सजेस्ट कर रहा था। सर मेरा सजेशन रचना है। नयनतारा गुड सजेशन है सर, है ना? क्लाइमेक्स लिखना इतना कठिन नहीं है, क्या हमारे पास आखिरी निर्णय है? तो फिर आप क्या करें? ऑडिशन के लिए कुछ और भी लोग आए हैं ना, सबको बुला के एक और राउंड ऑडिशन करवा लो। ये लो, ये प्लेट में डाल दो। स्पून लेके आ। हाँ लाता हूँ। दो लाना। बॉक्स छोटा ही होता जा रहा है ना। तुम्हारी माँ नहीं आई? मॉम बाहर मेरा वेट कर रही है। यहाँ बैठो, मैं तुम्हें बुलाती हूँ, ठीक है? हाय। हेलो। हाय। अपर्णा। मैंने आपके सारे मूवीज देखे हैं। ओह थैंक यू। आपने ऑलरेडी बहुत सारी मूवीज किए हैं, तो फिर आपको ऑडिशंस में आने की क्या जरूरत है? कोई कैरेक्टर अगर मुझे पसंद आ गया तो आकर ऑडिशन दे ही देती हूँ। ओके। नाम क्या है? रचना। और आपका नाम? मैं भी अपर्णा। अच्छा है। मूवीज के अलावा आप क्या करती हैं? हाँ मैं आर्किटेक्चर थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। ओके ओके ओके। और आप क्या करती हैं? मैंने पीजी किया है ड्रामा एंड थिएटर्स में, 8 साल से काम कर रही हूँ। रंगा शंकर आप पता है ना, वो बेंगलोर में है, वहीं से ऑडिशन के बारे में पता चला। ओके नाइस। और आप? मुझे वॉशरूम जाना है। उसके पीछे क्यों पड़ा है, बगल में रख देना। अरे इतने से थोड़ी बिगड़ने वाला। हेलो अप्पू, क्या हाल है? माता कहाँ हो? मैं तो अभी शॉप में हूँ। ओके माता, तुमको मुझे थोड़ा मोटिवेट करना होगा, मेरी तारीफ करनी होगी। माता मैं ऑडिशंस के लिए आई हूँ, कॉन्फिडेंस बहुत लो है, प्लीज प्रेज मी। ओके 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 ओके। अप्पू तुम एक अद्भुत इंसान हो,
तुम सुंदर हो। मेरी जिंदगी में मैंने तुमसे ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देखा। तुम सबसे बेस्ट हो। काफी नहीं है। समझदारी और सुंदरता दोनों एक साथ भगवान सबको नहीं देता। सिर्फ थोड़े लोगों को नसीब होता है ये सब, और तुम उनमें से एक हो। तुम अद्भुत हो, कमाल हो और बेमिसाल हो। बेकार है। अपू, तुम संघर्ष कर सकती हो। यू आर अ फाइटर। पिताजी की मौत के बाद तुम रोई नहीं। मैंने जब तुम्हें चीट किया तब भी तुम नहीं रोई। जब इंजीनियरिंग में ड्रॉप आउट हुई तब भी नहीं रोई। अभी प्रैक्टिस करने वाली तुम्हारी माँ को, लॉ कॉलेज जाने वाले तुम्हारे भाई को, तुम खुद मेहनत करके संभाल रही हो। यू आर स्मार्ट। यू आर अ फाइटर। काफी नहीं है माता, और चाहिए। कुछ इंटरेस्टिंग बोलो ना। अपू, तुम ही नहीं, वहां पर जितने भी खड़े तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स हैं ना, उन्हें इनसिक्योर फील होना चाहिए। तुम्हें एक बात बताऊं? देखो, तुम एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो, तुम यूनिक हो, तुम एक सिंगल पीस हो, बस। बेकार है, यहाँ तो मेरी कोई आइडेंटिटी भी नहीं है माता। कुछ और बोलो तुम। अरे ये पगली, अगर अभी सही करोगी तो तुम्हारे लिए सही रहेगा, वरना ऐसा तो होगा कि तुम रोड पर भीख मांगोगी। एनीवे, मेरे साथ तो नहीं आना ही है, तुमने पक्का कर लिया ना? तो तुम किसी मैट्रिमोनियल साइट पर बस एक आईडी नंबर बनकर रह जाओगी, और उसके बाद कहीं पर किसी साइको से शादी करके, उसके अंडरवे धोते हुए, उसके घर के सारे काम काज करके, उसे खाना खिलाकर, उसके बर्तन धोते हुए, टीवी में सीरियल देखते हुए, डिप्रेशन में पड़ जाओगी और बेरोजगार बनकर रह जाओगी, बस। अपू, अपू, जब मैं चेन्नई गई थी, ज़ेफोरा नाम का एक ब्रांड देखा था। ज़ेफोरा? हाँ। उनके ब्रांड का आईलाइनर 1800 रुपीस का है। 1800? क्या है ये? हाँ? क्या है? लेज़र। वैसे ये मेकअप आइटम में टॉप ब्रांड कौन सा है? ज़ेफोरा एक है। चने खाओगे बेटा? और क्या, चना खाओगे? हाँ। भैया, दो पैकेट। कितना हुआ? 20 रुपया। 20 रुपया? हाँ। अरे बेटी, मेरे पास तो छुट्टे ही नहीं है। मेरे पास है ना। दे दो फिर। इसका भी नहीं है बेटा। ठीक है, जाने दो। चाहिए तो फ्री में ले जाओ। नहीं भैया। साइलेंटली हो।
सभी लोग घर की चाबी को डोर मैट के नीचे क्यों रखते हैं पता नहीं। मैं नहा के आती हूँ। माता? हाँ। माता? ओ। बहुत अच्छा काम कर रहे हो माता। मुझे बहुत भूख लग रही है। चिकन हक्का नूडल्स। के मेरे हाथ में छुरी है। ए, अरे तेरी तो ए, लगेगा लगेगा ना। हाँ, अब अच्छा है। क्या है हरभजन सिंह जैसे लग रही हो है? नूडल्स के लिए पानी गैस पर रखना है। Do you really care? नहीं नहीं जाके रखो। नहीं परवाह नहीं है। जाओ। वो सॉस दो ना। जा रहे हैं ना, तुम्हारे पासपोर्ट कॉपी को शाजी के मेल आईडी पर भेज देना। shaji4u@gmail.com। 4 मतलब न्यूमेरिक डिजिट। ओके, वीजा के लिए। वीजा मिलते ही हम चले जाएंगे। जा रहे माता। क्या हुआ अपू, सब सेट हो गया है? हम जा रहे हैं ना। कल के बारे में ही बात कर रहे हो ना तुम? हाँ, कल की बात करें तो कल मैं बहुत ज्यादा खुश थी माता। सेक्स इज नॉट अ प्रॉमिस। कल हम अच्छे मूड में थे ना। अपू तुम ऐसे प्रोस्टिट्यूट की तरह बात क्यों कर रही हो?
देखो लगता है माँ आ गई। अरे तो अभी क्या किया जाए? मैं पीछे से भाग जाऊं क्या? कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। ओके माथा, कॉलेज में मेरा सीनियर है, मुझे मिलने आया है। माँ, भाई। हेलो। मैं चलता हूँ। शिशु सर, गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। तुझे रूल्स पता है ना, जूनियर्स को पहले उठकर रेडी होना चाहिए। सॉरी सर। ए शेखर, शेखर। अरे सर उठ जा यार। ला 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 हरीश। सर हम तीनों में ऐसा कौन है जो पुलिस वाला नहीं लगता है? सर मैं हूं ना। मैं खुद को समझ रहा था, तुम अपने आप को कह रहे हो। सर इस मैटर में हरीश ही बेहतर है, ही इज अ क्यूट बॉय। हरीश। सर तुम उस लड़की के पास जाकर तुम मैथ्यूज के क्लासमेट हो ऐसा कह के बात शुरू करो। मैंने तुम्हें उस ऑफर के बारे में बताया था। हाँ, अभी समय भी है और मुझे लगता है हमें वहां जाना। एक्सक्यूज मी। हाय अपर्णा, राइट? यस। तुमने मुझे पहचाना? सॉरी नो। हरी, माथन का क्लासमेट, मदुरई कॉलेज में पढ़ते। ओके। कैसी हो तुम? आई एम गुड, आई एम गुड। माथन तुम्हारे कांटेक्ट में है क्या? नो, असल में कांटेक्ट में नहीं है वो। ओके ओके देन यू टेक। ओके ओके। यस या पूछा। अब क्या करना है सर? तुम्हारे पूछने पर भी उसने नहीं बताया है, एक बार और ट्राई करना होगा। चलो। मेरे बारे में पता चल गया है, वो यहां तक भी आ सकते हैं।
मेरी कार लेके अपने घर जा, जल्दी से बैग उठा के निकल जा। बॉस और कोई रास्ता नहीं है? अरे भाई कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन पैसे? कुछ दिन बाद पैसे भी दे दूंगा, लेकिन अभी जा तू। भैया वो जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। तुमको चाय चाहिए? नहीं भाभी। Thank you. And moving on to our next event, the audio release. And let me invite our chief guest, Mr. Len Prasad, director and music director, Bijibal. Can we have you on stage, sir, please? Along with them, the hero of the movie, Sushant Joy, and the heroine, beautiful Samira. Can we have you on stage? A welcome, the man behind this movie, director Jinu Joseph, and the very promising music director, Justin, please. Keep it rolling, keep it rolling. Let's hear it. Keep it rolling. I'm happy for Samira. रुको मैं अभी आती हूँ। क्रेन पूरी तरह से सेट करके रखा था। कैमरामैन को ढूंढना तो कहीं नहीं मिला। फिर सब लोग कैमरामैन को ढूंढने लगे। हाय हाय सर। हेलो। अपर्णा, अपर्णा रवि। हाँ अपर्णा ऑडिशन में आई थी ना, तुमने अच्छा किया था अपर्णा। मुझे लगता है इसे फाइनल थ्री में होना चाहिए ना। फाइनल थ्री में है सर। थैंक यू। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। ये एक अलग तरह का सिनेमा है, वही लाइक फेरी टेल स्टोरीज। सो मुझ पर बहुत प्रेशर है मार्केट वैल्यू वाली हीरोइन को कास्ट करने के लिए, तो ओके लेट्स सी। ओके। और एक दूसरा कैरेक्टर है फिल्म में, जैसे ऐसा कैरेक्टर है जैसे सुरेश गोपी ने इन्नाला में किया था, और जैसे कि वो मूवी मणिचित्र था जो मैं विनय प्रसाद ने किया था। ये एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, अगर अपर्णा करेगी तो इंटरेस्टिंग होगा। क्या ऐसा कैरेक्टर प्ले करने में दिलचस्पी रखती हो? ये करेगी तो अच्छा ही होगा सर। हाँ? सर आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रही हूँ, इसलिए एक्टिंग करूंगी तो हीरोइन ही बनूंगी, मैंने माइंड में फिक्स कर लिया है सर, प्लीज। अच्छा तो हीरोइन ही करोगे? देखो जरा सोच के देखो, अगर कोई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता है तो मना नहीं करना चाहिए। ओके ओके सर। ओके थैंक यू। तब ये हुआ कि वो क्रेन की हाइट देख के वो कैमरामैन डर गया, फिर उसे हिम्मत दिला के हम उसे ऊपर चढ़ा रहे थे किसी तरह से, फिर वो वहां से। हेलो। हेलो मैं जा रहा हूँ अप्पू, लेकिन जाने से पहले एक बार मिलना चाहता हूँ, बस दो मिनट। सिर्फ हैंडशेक और एक बाय। बताओ ना कहाँ हूँ अप्पू? स्टारलेट सूट्स हाईटेक रूफटॉप पर हूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। रूम नंबर 803। जी सर ही लीजिए। हरीश सर मेरा फोन गाड़ी में रह गया है, चाबी दीजिए सर। सर वेट करें क्या? उसे रास्ता पता नहीं है क्या? चलो।
सर मैंने इसे पकड़ लिया है, सर मैंने पकड़ लिया सर इसे, रुक, पकड़ा हुआ सर, सर पकड़ लिया है मैंने फिर से, सर प्लीज सर। हाँ इतना कुछ होने के बाद वो यहाँ थोड़ी ना रुकेगा, भाग जाएगा सर। बॉस मैं यहाँ पर हूँ ये बात उनको पता चल गई, अब उन्हें ये भी लगेगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, तो हो सकता है वो अब तक यहाँ से चले गए होंगे। वही पॉइंट है शेखर, तुम जैसा सोच रहे हो वो भी वैसा ही सोचेगा कि हम यहाँ से चले जाएंगे। यही हमारी जिंदगी है, पर जब पकड़े गए थे तभी भाग जाते तो अच्छा होता, अब इस तरह से बैठ के अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। सेमी डार्क सर्कल का ध्यान रखना, मैं 9:30 बजे तक आ जाऊंगा। ओके ठीक है मैडम, मैं कल सुबह 9:30 तक आ जाऊंगा, ठीक है? जल्दी सो जाना। ओके ठीक है रॉबिन। जल्दी आओ जल्दी आओ। वाइन गिफ्ट है। रेड वाइन, नाइस। ऑडियो लंच का गिफ्ट है? नहीं कोई और है, देखा था ना लेन प्रसाद सुपर डायरेक्टर है, उन्होंने मूवी में कास्ट किया है। यू वोंट बिलीव, इट्स एन अमेजिंग कैरेक्टर। आउटलाइन सुना मैंने, इट्स लाइक अ फेरी टेल। मेन लीड तो नहीं हूँ लेकिन जबरदस्त कैरेक्टर है, अवतार मूवी के जैसे। ये मोशन कैप्चर ऐसा कर रहे हैं सुना मैंने, बढ़िया काम करूंगी। तुम करोगी, लकी हूँ ना। हाँ हाँ सच में। अब तुम ही बताओ VFX में सीन कितने अच्छे दिखते हैं, और कब तक साड़ी पहन के स्लो मोशन में डांस करेंगे, कुछ तो सेंसिबल करना चाहिए ना। सैमी ओपनर चाहिए। वाइन ओपनर लाओ ना, मेरे पास नहीं है, मिलके सेटल करना होगा। तो फिर कैसे मिलेंगे? स्क्रू जैसा कुछ? स्क्रू? हेलो अपू, मैं यहाँ पर रोड पर हूँ, मिलने आया हूँ। वहीं रुको, मैं नीचे आ रही हूँ। बाय, बस हो गया, अब जाओ। चला जाऊंगा, जाने का टाइम आ गया है। मैं एक बेटर आइडिया बताने आया हूँ, मैं पहले दुबई जाकर सेटल हो जाता हूँ, तुम बाद में कभी आ जाना। टेक योर टाइम्स, जितना टाइम चाहिए ले लो, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाना वरना हमारी रिलेशन स्पॉइल हो जाने का डर है मुझे। आई डोंट वॉन्ट टू मिस यू। तुम बस चले जाओ यहां से माथा। मैं तुम्हें थोड़ा सा भी पसंद नहीं हूं। माथा माथा, बहुत बढ़िया माधव, मुझ में नहीं, अच्छी एक्टिंग स्किल्स तो तुझ में है। मैंने मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे और अपनी माँ से किया। कल तुम दोनों ने मुझे प्रोस्टिट्यूट कहकर हर्ट किया, और कल तुम्हारे जाने के बाद जब मेरी माँ ने मुझे प्रोस्टिट्यूट कहा, कम से कम अपनी माँ के सामने मुझे सर उठाकर खड़ा रहना है, इसलिए कोई भी काम करके मेरी माँ के सामने रिस्पेक्ट कमाना है। तुम मेरी लाइफ से चले जाओ माथा। Oh.
मैं जाकर कल आता हूँ। अपलोड कर दिया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सैमी के ब्रदर ने सेंड किया है, ही इज कमिंग टुमारो टू गेट हर। वो रोई जा रही है, व्हाट डू वी डू? ये कैसे हुआ? सैमी, किसी बदमाश ने किया होगा, तुम्हारी इसमें गलती नहीं है। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें नहीं बताया अप्पू, सब ठीक हो जाएगा सैमी, तुम्हारे भाई के आने के बाद बात करते हैं, डोंट वरी। नहीं, पिछली बार ही उसने लास्ट वार्निंग दी थी, अब कुछ नहीं कर सकते, सब खत्म हो चुका है। सैमी, बात करके सॉल्व ना कर सके ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं उनसे बात करती हूँ। नहीं, मुझे पता है मेरा गेम ओवर हो चुका है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ओपन कैसे करूं इसे? ला मुझे दो। इसे कैसे ओपन करूं अप्पू, मुझे भी नहीं पता। माथन, उसकी फैमिली पेरम्बावूर से थी, पिता एक चिटफंड कंपनी चलाते थे, उसकी दो सिस्टर्स है शायद। चिटफंड कंपनी में बहुत बड़ा लॉस हुआ था, एक दिन उसके पिता उन सभी को वीगा लैंड लेकर गए थे, उन्होंने पूरे दिन खूब मस्ती की। उस शाम होटल रूम में बिरयानी में पॉइजन मिक्स करके पूरी फैमिली को मार दिया, सिर्फ माथन बच गया। इधर आना, बिल्ली की तरह बच जाता है, ही इज अ सर्वाइवर। तुम दोनों साथ में क्यों नहीं रहते हो? वो अभी भी दिल से एक छोटा बच्चा ही है, अभी उस पर भरोसा नहीं कर सकती। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो सैमी, तुम्हारे ब्रदर से तो मैं बात करती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं पता है दर्शना, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। ये खाओ, तुम उनसे बात तक नहीं कर पाओगी, वो सब समझ सर, जाएंगे। सुनो सर, बहुत सर, सुन लिया मेरे। जाते हैं भैया। दर्शना, तेरी पेशेंट जा रही है, सहजू चलती हूँ मैं। छी, ओवर एक्टिंग मत कर, सहजू की बेटी का नाम भी समीरा ही है। मिस यू रॉबिन, थैंक यू। अप्पू आओ, मैं तुम्हें कुछ टिप्स दूँ क्या?
अपू तो मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड है, जल्दी तो सेलिब्रिटी बन जाएगी, है ना? सच में तू बड़ी स्टार बनेगी। स्टार बनने के बाद ना चाहे तो मेकअप यूज मत करना, अभी सब 8K रेजोल्यूशन कैमराज हैं, बढ़िया क्लैरिटी होती है। तुम कितना भी बीमार पड़ जाओ ना, पर हॉस्पिटल मत जाना, वरना अबॉर्शन की खबर उड़ा देंगे। जरूरत लगे तो घर पर ही ट्रीटमेंट ले लेना, किसी भी फ्रॉड पर भरोसा मत करना, न्यूज़पेपर पढ़ते रहना, एटलीस्ट ऑनलाइन ट्रोल्स देखते रहना, समझ गई? डोंट क्राई दर्शना, कम से कम अच्छे से जीना, शादी वादी मत कर लेना, ओके? समीरा! सॉरी। दो क्लासिक मैकडी, दो कोक। थैंक यू मैम, ऑर्डर नंबर 299। ओके, थैंक यू। वेलकम। लेडीज टॉयलेट है। रिलैक्स रिलैक्स। अपर्णा, वी आर पुलिस ऑफिसर फ्रॉम तमिलनाडु। तुम्हारा फ्रेंड मैथ्यूज हमारे सबऑर्डिनेट की हत्या करके यहाँ आया है। तुम्हारा और मैथ्यूज का बहुत क्लोज फ्रेंडशिप है, तुम्हारी दोस्ती की गहराई हम जानते हैं, हम तुमसे बात करने के लिए आए हैं। मुझे कुछ मुझे अपर्णा, हम तुम्हारा पीछा करते लेडीज टॉयलेट में आ गए। हम सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि हम अपनी हद से भी गुजर सकते हैं। तुम एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस हो हम जानते हैं, इसलिए झूठ मत बोलना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। टेल मी। कितना हुआ भैया? 30 रुपये। सर, अंदर मेरी गर्लफ्रेंड है, उसे कुछ नहीं पता। सर प्लीज यहां सीन क्रिएट मत कीजिए, मैं खुद आ जाऊंगा। प्लीज सर।
सर गुड इवनिंग सर। सब प्लान के हिसाब से चल रहा है ना? यस सर। कहाँ हो अभी? अब बॉर्डर के पास में ही सर, एक घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। गुड, तभी हम जगह देखेंगे और इसे खत्म कर देंगे। ठीक है, तुम्हारे साथ और कौन है? हाँ सर, मिस्टर शेखर और हरीश भी साथ में। तुम तीनों हमारी टीम में बेस्ट हो। थैंक यू सर। जल्दी काम खत्म करो और वापस आ जाओ। थैंक यू सर। सर आपका नाम क्या है सर? हरीश। सर कोर्ट में प्रोड्यूस करने से पहले मुझे मारोगे क्या? एनकाउंटर करके मार नहीं डालोगे ना? डेली वर्कआउट करते हो क्या सर? मसल्स बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश मत कर, तूने हमारे में से एक को मार दिया। डीआईजी साहब बहुत खुश हैं। ऑफ कोर्स सर, ये लीजिए। ओ दूल्हे राजा ने पी लिया क्या? वो भी बोल रहा था कि उसे पीने का मन है। तू जा और उसे भेज दे। ठीक है। सर बुला रहे हैं। हरीश सर, सोडा चाहिए क्या? इट्स ओके सर, पियो ना। क्यों हरीश, टेंशन हो रही क्या? हाँ थोड़ा है सर। न्याय देवी का स्टैचू देखा है क्या? देखा है सर। राइट हैंड में तराजू होता है, लेफ्ट हैंड में क्या होता है? इतने डिटेल में नहीं पता है सर। स्वॉर्ड, तलवार, यही होती है पुलिस। लोगों को सिस्टम का डर होना चाहिए, अगर यही डर चला गया तो सोसाइटी कंट्रोल में नहीं आएगी। ये हमारी ड्यूटी है, इसे पर्सनली मत लो। श्योर सर। इससे पहले किसी ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया क्या? सर ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया था सर, पर शूटआउट में नहीं सर। हैव इट सर। सर उसने पूछा सर क्या कि मुझे एनकाउंटर में मार दोगे क्या? मैंने उसका मुंह तोड़ दिया। वो बेवकूफ है, उसने एक लड़की पर भरोसा कर लिया सर। आप जनरलाइज करके बात मत करो सर। क्यों सर? ये उस लड़की से बहुत प्यार करता है तो उस लड़की को पता नहीं कि ये एक हत्यारा है। शायद उस लड़की की जगह मैं भी होता तो मैं भी वही बताता सर। मैं होता तो नहीं बताता। मैं तो बता देता सर, अगर मैं उस लड़की की पोजीशन में होता तो नहीं बताता। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रस्ट इन लव? ट्रस्ट इन लव। अब तुम मुझे बताओगे क्या करना है सर? अगर किसी औरत की वजह से आपकी जिंदगी में कोई हादसा हुआ हो तो उसका गुस्सा यहाँ मत दिखाओ सर। सर मेरा एक्सपीरियंस ही मेरा लेसन है, मैंने जो अब तक सीखा है वही मेरे काम का बेस है।
मैं क्या करने जा रहा हूँ पता है क्या? उसकी गर्लफ्रेंड ने ही उसे पकड़वाया है ये कहकर उसे शूट करूंगा। That's sadistic, sir. Yes. हमने क्या उसे आराम से गोली मारने के लिए पकड़ा है? सर, अगर दोनों का प्यार सच्चा था तो उस प्यार में उसे मरने दो सर। उसने मेरे साथी को मारा, तुम्हारे जैसे और मेरे जैसे पुलिस ऑफिसर को मारा है। मैंने तय कर लिया है इसे गंदी मौत मारूंगा। ओके सर, आप मेरे सीनियर हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। वेरी गुड। हरीश सर, यहाँ थोड़ा फ्रेश होकर आते हैं, नहीं तो नींद आती रहेगी। चला। हथकड़ी खोल दो ताकि ये मुंह धो सके। खोल दो। मैथ्यूज,
तेरी तरह मेरी भी एक बैड लव स्टोरी है। शादी के 3 साल बाद मेरी वाइफ, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ, एक छोटे से पेपर पर लिख करके वो चली गई। प्यार मोहब्बत सब एक छोटे से पेपर पे ही खत्म हो गया। तुझे मैं कैसे पकड़ पाया पता है? तेरा प्यार जो तेरा जीवन है, उसने कहा कि तुम कब आने वाले हो, हम तुझे कहां पकड़े, ये उसी ने बताया था। हमने उसे धमकी नहीं दी, सिर्फ पूछा था। तुम बेवकूफ हो, एक लड़की पर भरोसा कर लिया। कोई परवाह नहीं सर, इट्स ओके। उसने जो किया वो करेक्ट है, मुझे इस इंसान को छोड़ना नहीं चाहिए, पुलिस वालों के हवाले करना चाहिए। फिर भी वो मेरी जान है सर। फैन ऑफ करो। अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन एक और करते हैं। चेता फ्लोर साफ करो जल्दी। सर फैन थोड़ा एडजस्ट करो। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। किसी ना किसी दिन माधव लौट कर आएगा, ये मुझे पता है, और उसे कुछ नहीं होगा। मेरी फिल्म की रिलीज है, मैं जब खुश होती हूं तब माधव याद आता है, मैं जब ऐसे अकेले चलती हूं तो सडनली मुझे लगता है माधव मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा है। अब्स